सीओ साहब हमारे डॉक्टर काशिफ महमूद की काविशों की वजह से आज हम जमा हुए हैं। तो इस इंटरनेशनल नर्सेज एंड मिडवाइफरी डे पर मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगी डॉक्टर काशिफ को और उसकी विजनरी लीडरशिप को, क्योंकि डॉक्टर काशिफ एक ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जो नर्सेस को इंतहाई हाई रेस्पेक्ट देते हैं और उनको अपने हेल्थ केयर सिस्टम में शाना बशाना अपने साथ प्लानिंग से लेकर उसकी एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन तक साथ एज ए क्लोज टीम मेंबर रखते हैं। और उसका एविडेंस आज के इस महफिल में भी है जो उन्होंने मुनक्किद की है कि पूरे कराची से हर पब्लिक एंड हर प्राइवेट सेक्टर की कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड हॉस्पिटल्स के लीडर्स को, उनकी स्टूडेंट्स को इस प्लेटफॉर्म पर जमा किया है और इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर ये मैं कहना चाहूँगी, इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेशन का मकसद ये है कि नर्सेस जो है वो फ्रंट सोल्जर्स होती हैं, एक डिफेंस मैकेनिज्म होती हैं। जिस तरह आपने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मांगा तो सेहत मांगी, सेहत का जो बुनियाद है ना, हमारे जिस्म का जो बुनियाद है वो हमारी स्किन है, इंटीग्रेमेंट्री सिस्टम है। तो नर्सेस जो है ना इस तरह से, और अगर हमारी स्किन सही नहीं हो तो हमारे सारे जरासीम और बहुत सारे मसले हमारे जिस्म में आ सकते हैं। इस तरह से हेल्थ केयर सिस्टम में ये रोल अदा कर रही हैं नर्सेस, इंटीग्रेमेंट्री सिस्टम का या डिफेंस मैकेनिज्म का, फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। तो इस दिन का मनाने का मकसद ये है कि वो जो दिन रात 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन 24/7 हम बोलते हैं जिसको, वो नर्सेस हॉस्पिटल में, हेल्थ केयर सिस्टम में हर जगह काम करती हैं, तो उनकी काविशों को एक्नॉलेज किया जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए और उनकी जो काम है उनको सराहकर ये देखा जाए, एवेल्यूएट किया जाए कि हम और नेक्स्ट क्या बेहतर कर सकते हैं। तो इसीलिए आज हम ये मना रहे हैं और आज का जो दिन होगा उसमें हम रिफ्लेक्ट करेंगे, हम सोचेंगे कि हम क्या बेहतर कर रहे हैं और हमें क्या है मज़ीद आगे बेहतर करने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर आमिर साहब जो हमारे प्रिंसिपल हैं और हॉस्पिटल की मैनेजमेंट को भी मुबारकबाद दूंगी और तमाम आलम ग्लोबल लेवल पर जितनी भी नर्सेज काम कर रही हैं उसको हैप्पी इंटरनेशनल नर्सेज डे का पैगाम देना चाहूँगी।